हेलो फ्रेंड्स, मैं सर संदीप। मैं आपको आज हमारे चैनल में हमारे स्मार्टफोन के बैटरी की केयर कैसे ली जाए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी की टेंडेंसी कुछ ऐसे होती है, अगर हम उसे प्रॉपरली चार्ज ना करें तो उसका जो रिचार्ज साइकिल का टाइम दिया हुआ है, कितना 1000 रिचार्ज साइकिल या 1200 रिचार्ज साइकिल, जो भी वो कंप्लीट करेगी उसके 100% इफिशेंसी के साथ वो नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमारी चार्जिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को 15 या 20% के ऊपर ही चार्ज को लगा दें। इससे नीचे चार्ज हुआ मानो 0% तक उसको ड्रेन ना होने दें, इससे आपकी बैटरी की इफिशेंसी बनी रहेगी। उसके बाद अगर आपका मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ चार्जर अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, अच्छे से वो फास्टली चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप एक बार कस्टमर केयर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरा चार्जर चाहिए तो दूसरा चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्जर की आउटपुट रेटिंग और बैटरी की जो वोल्टेज रेटिंग है वो मैच करके देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। एम्पेयर रेटिंग का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वोल्टेज रेटिंग ठीक से मैच होनी चाहिए, यानी कि उसकी वजह से बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके आगे है, अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करना चाहते हैं तो फास्ट चार्जर, उसका फास्ट चार्जर का बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद और एक बात है, आप 20 से 25 दिन या मंथ के अंदर एक बार बैटरी को 0% तक ड्रेन करें और उसको 100% चार्ज करें, उससे ये बात होगी कि आपकी बैटरी की जो कुछ सेल है जो वीक हो गई है तो उनकी पावर रिगेन होगी और वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। उसके बाद हमारी बैटरी के साथ बैटरी की वारंटी आती है, मतलब वो 1000 साइकिल या ज़्यादा भी हो सकती है रिचार्ज साइकिल कंप्लीट करेंगी। रिचार्ज साइकिल बेसिकली ये होता है कि बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करना, ये जो कंप्लीट टाइम है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसको एक रिचार्ज साइकिल बोलते हैं। तो ऐसी कुछ बैटरियाँ 1000 रिचार्ज साइकिल की वारंटी से दी होती है, कुछ ज़्यादा दी होती है। तो नॉर्मल फ़ोन की बैटरी 1000 होती है और अपनी पावर बैंक की कुछ 500 रिचार्ज साइकिल 600 रिचार्ज साइकिल दी होती है। तो वाकई फ़ोन की बैटरी एक अच्छी होती है, अच्छी यूज़ की जाए तो ज़्यादा दिन तक 2 साल या से 3 साल आराम से 100% एफिशिएंसी वो दे सकती है। और एक बात, एक गलत फहमी है लोगों के अंदर कि बैटरी को आप रात को सोते वक्त चार्ज को लगाएंगे और सुबह अगर निकालेंगे फ़ोन तो बैटरी और चार्ज होगी, ऐसा नहीं है। 99% फ़ोन्स में ऐसे सर्किट्स है, अभी जो अभी एंड्रॉयड फ़ोन है अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर वाले, उनमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्टिव सर्किट होता है, तो उसकी वजह से जो भी बैटरी है हमारी वो ओवर चार्ज नहीं हो जाती और 100% के अंदर ही चार्जिंग बंद हो जाती है, 100% चार्ज होने के बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, तो आपकी बैटरी सेफ रहती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आज के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, and please like, comment, share and subscribe. Thanks a lot.